हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सर्दी बहुत ही ज़्यादा है और मैं आपको बताता हूँ अभी टाइम क्या हुआ है। 9:45 हुए हैं अभी सुबह के और आज सर्दी बहुत ही ज़्यादा। सुबह के 9:45 हुए हैं और अब मैं अभी जा रहा हूँ नहाने। सर्दी बहुत ज़्यादा, तो पहले मैं नहाने जा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि आज का जो बाहर का मौसम है वो कैसा है। तो टाइम पूरे के पूरे 9 बज गए हैं अभी। तो दोस्तों 9 बज गए हैं और 9 बजे आज जो मौसम है बाहर, धूप बिल्कुल भी नहीं चढ़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ अपने पीछे का नज़ारा। ये देखिए, ये देखिए, कोहरा ही कोहरा, फॉग ही फॉग, धुंध ही धुंध। सर्दियों की पहली धुंध है ये। तो आज 9 बजे कोई सूरज का नामो निशान नहीं है और इतनी धुंध है आज। ये जो दोस्तों छोटा सा दिखाई दे रहा है ना चांद की तरह, ये सूरज है जो कि धुंध को काटने की कोशिश कर रहा है। धुंध बहुत ज़्यादा है मगर सूरज कोशिश कर रहा है निकलने की, मगर पता नहीं निकल पाता या नहीं निकल पाता। आखिरकार दोस्तों धूप चढ़ गई है। ये देखो, सुबह सुबह इतना कोहरा था और अभी दोपहर के 1 बजे हैं और दोपहर की 1 बजे अच्छी खासी धूप निकल गई है अभी। अभी सारा सब कुछ आगे पीछे क्लियर दिखाई दे रहा है। दोस्तों धूप अच्छी खासी अब निकल गई है। पहले मैं सुबह सोच रहा था कि शायद पूरा दिन धुंध ही रहेगी, मगर अभी अच्छी खासी धूप निकल गई है। देखिए आप मेरे पीछे सब कुछ अब क्लियर दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर। तो अब मैं आया हूँ खेत में। ये जो हमारा स्टाला है, इसकी मैंने जब स्टाले को लगाया था, इसका बीज लगाया था, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी। अब ये इतना इतना हो गया है, आधा से ज़्यादा खेत हमने काट भी दिया है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। तो धूप अभी अच्छी है तो अभी स्टाला काटते हैं, क्योंकि जानवरों को चारा डालना भी ज़रूरी है। वो पीछे हमारे जानवर दिखाई दे रहे हैं, तो अभी स्टाला काटते हैं इनके लिए। तो दोपहर के 1 बजे हैं मगर फिर भी देखिए जो हमारा स्टाला है इसमें कितना तरेल पड़ी हुई है, कितनी शबनम रात की जो कोरा वगैरह पड़ा हुआ, हाथ गीले हो रहे हैं, बिल्कुल गीला स्टाला अभी। ये देखो कितनी शबनम है अभी भी इस पर। एकदम हरा हरा स्टाला हमारा। ये हमारी दातरी ब्लेड वाली। स्टाला काटते काटते तो हाथ भी लाल हो गए हैं पूरे। देखो इनकी हालत, गीले और लाल और सुन्न हो गए हैं। ये जो स्टाला है दोस्तों जो मैं काट रहा हूँ, ये देखो थोड़ा सा मैंने काट दिया और काट रहा हूँ, मगर ये काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जिस दिन शाम को ये स्टाला हमने बीज लगाया था उसके अगले दिन ही इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि जो बीज था सभी बह गया और ये जो सिर्फ घास घास सा पीछे रह गया, और ये स्टाले के एक एक दो दो पौधे रह गए हैं इधर। ये देखो इसलिए इसे काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है ज़्यादा लो भी ये स्टाला देगा नहीं, बस 2 या 3 बार उसके बाद ये घास ही घास हो जाएगा और यहाँ पर हमें कुछ और लगाना पड़ेगा। देखो कितनी दूर दूर स्टाले के पौधे हैं छोटे छोटे, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई तो जो बीज था वो सबा का सारा बह गया और पीछे थोड़ा बहुत रह गया और सिर्फ घास ही घास है।
तो उसी कारण हमने, ये तो इस बार ऐसा था तो उसी के कारण हमने फिर और हमें बीज लगाना और एक खेत लगाना पड़ा सताले का, दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं अखनूर, कुछ सामान बचा हुआ था शादी में, ये पीछे दिखाई दे रहा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक है, कुछ जूस है, कुछ पानी की बॉटल्स हैं छोटी, तो इसको वापस करने जा रहे हैं अखनूर। ये देखिए रोड पर नई लुक पड़ रही है, आराम ना लगे। सामान सारा दे दिया हुआ है, जो भी बचा हुआ सामान था वो मैंने दे दिया है। अब मैं पेट्रोल पंप पर आया था, यहाँ इस साइड पेट्रोल डलवा लिया है, तो अब पेट्रोल डलवाने के बाद जो भी काम था वो ख़त्म कर अब मैं जा रहा हूँ घर, तो चलते हैं घर। जस्ट दोस्तों अभी घर पहुँचा हूँ, तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में आधा काम नहीं करना है, बेल के बटन को भी प्रेस करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।